मेरा नाम है मुकेश और मैं सिखा रहा हूँ अभी 3D स्टूडियो में। 2022 काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है और इसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कंपाउंड ऑब्जेक्ट मॉर्फ। मैंने आपको सिखा दिया था, अभी मैं स्केटर बताने जा रहा हूँ। स्केटर के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे कि एक ये स्फीयर और एक ये कोन। आप देखते रहिए और कुछ नया आप भी ट्राई करते रहिए, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट में आता हूँ, इसमें स्केटर पे क्लिक करता हूँ। पिक डिस्ट्रीब्यूशन पहले सिलेक्ट करना है मुझे, मैं इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करना है मुझे और स्केटर पर क्लिक करना है और पिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए बड़ा वाला, तो जो कोन है वो इसके ऊपर आ जाता है। और इसमें बाकी कुछ करना नहीं है, इसमें जैसे डुप्लीकेट्स हैं, डुप्लीकेट्स आपको बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं आपकी मर्जी है। और यहाँ से जो स्केटर ऑब्जेक्ट है छोटा छोटा बड़ा कर सकते हैं, 100% में 100% ही रहेगा। उससे कम करना है तो आप कम कर सकते हैं यहाँ से बेस स्केल से। और ये परपेंडिकुलर रखना है तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, नहीं तो हल्का सा तिरछा हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर ही रखिए तो अपोजिट सारे ऑब्जेक्ट अपोजिट आएंगे इसके। जैसे कि ये एरिया पे क्लिक करता हूँ मैं तो ये नीचे चला गया, A1 पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर आ गया। स्किप नंबर ये बढ़ाता हूँ तो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट बढ़ते जा रहे हैं। रैंडम फेसेस पे क्लिक करता हूँ, अलोंग एजेस पे क्लिक करता हूँ या फिर ऑल वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑल वर्टेक्स के ऊपर आ जाता है। तो जितने भी स्फीयर में वर्टेक्स थे सारे वर्टेक्स के ऊपर ये कोन फिक्स हो गया है इस तरीके से। तो इतना अच्छा डिजाइनदार आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि स्फीयर या कोन ही लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका सेकंड एग्जांपल मैं और दिखा रहा हूँ आपको। रिसेट कर लिया है मैंने। मैं एक प्लेन लेता हूँ, प्लेन के ऊपर मैं मतलब कि एक जंगल बनाने जा रहा हूँ। मैं प्लेन लिया और प्लेन के कुछ सेगमेंट बढ़ा दिए, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, 8 कर दिए और इधर से भी 8 कर दिए। तो ये सेगमेंट मैंने थोड़े थोड़े बढ़ा दिए। अब मैं नॉइज़ से इसको आड़ा तिरछा बना दूंगा प्लेन को, नॉइज़ मॉडिफायर। इससे जी एक्सिस को अगर मैं करता हूँ तो ये ऊंचा नीचा हो जाता है इस तरीके से, दिखाई दे रहा है ये। और इस तरीके से ये बन गया है ऑब्जेक्ट। एक्स और वाई भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ये एक्स और ये वाई, थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। अब मैं एक ट्री बना लेता हूँ क्योंकि मुझे जंगल बनाना है। तो AEC एक्सटेंडेड में जाता हूँ, मैं फॉलेज में एक ट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है और ये काफ़ी बड़ा बन गया है। मैं इसको स्केल कर लेता हूँ इससे इतना, और यहाँ पर देखता हूँ तो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ये कवर सा आ जाता है जो कि इसको ढका हुआ है इसके ऊपर। मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, मॉडिफाई पैनल में आता हूँ और इसको नेवर कर देता हूँ तो वो जो कवर था वो चला जाता है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और स्केटर में आऊँगा, कंपाउंड ऑब्जेक्ट स्केटर और पिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट में यहाँ कर लूँगा। उसके बाद अगर मैं ये करता हूँ, वैसे तो आप डुप्लीकेट्स बढ़ा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा उसमें ठीक ठाक। ऑल वर्टिसेस कर दिया, अब देखिए ये पूरा जंगल तैयार हो गया है, पूरा एरिया तैयार हो गया है इतने पेड़ों का। और ये ऊंचा नीचा जैसे जैसा सरफेस है वैसा ये सेट हो गया है, ऊंचा और नीचा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और इस तरीके से आप एनिमेशन भी बना सकते हैं या फिर कोई सीन आपको बनाना है जंगल वगैरह का, वो आप इससे बना सकते हैं। तो ये लेक्चर में यही समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।